किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है। हम जो योजना लाए हैं वो हर साल एक समय के लिए नहीं है, हर साल साल में तीन बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में जी हाँ भाई बहनों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने गरीब वर्ग वालों को बहुत बड़ी सौगात दे दी है, जिसके अंतर्गत लोगों के जनधन खाता में उन लोगों को 6,000 रुपए की धनराशि भारत सरकार ने भेजना चालू कर दिया है। कई लोगों ने अपने मोबाइल में मैसेज भी प्राप्त किया कि कैसे भारत सरकार के द्वारा उन लोगों को 6,000 रुपए की धनराशि मिली है, प्राप्त हुई है। अगर आपका भी जनधन खाता है, आपके पास भी आधार कार्ड है, तो भाई बहनों आपको हम बता देना चाहते हैं, आप लोगों को भी कोरोना काल के संकट में समय में थोड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। इस वीडियो को आप लोग अगर अंत तक देख सकते हैं तो कृपया करके जरूर बिना भगाए जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कैसे आप लोग अपना और अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आप लोगों को बता देना था भाई बहनों, इस कोरोना काल के महामारी के समय में भारत सरकार ने कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत जिन लोगों का भी जनधन खाता उनके आधार कार्ड से लिंक है और वो सरकारी नौकरी में नहीं है, उन लोगों को भारत सरकार की तरफ से पूरे 6,000 रुपए की धनराशि मिल रही है। आपके पास चाहे आधार कार्ड है, चाहे राशन कार्ड है, चाहे पैन कार्ड है, आप लोगों को सिर्फ अपना कार्ड दिखा के, अपना पहचान पत्र दिखा के अब मुफ्त अनाज मिलेगा, चाहे आपके पास राशन कार्ड उपलब्ध हो चाहे राशन कार्ड उपलब्ध ना हो। इसी के साथ अगर आपके घर पे गैस सिलेंडर चूल्हा भी नहीं है, एक आवेदन करके बिना एक रुपए दिए बिना आप लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हा भी मिल रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 80 लाख नए मकानों का आवेदन चालू होने आ रहा है, जिसके बारे में जैसे ही खबर निकल के आएगी वो हम अपने चैनल पे लेके आ जाएंगे। अगर आप लोग हर सरकारी योजना के बारे में सबसे पहले अपडेट होना चाहते हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ अपने काम की खबरें मिलेंगी। और हमारे चैनल पे एक महाप्रतियोगिता चल रही है, जिसमें आप लोग जीत सकते हैं एक सैमसंग का 4G फोन। बस कमेंट बॉक्स में आपको इतना आंसर देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का चुनाव कितनी बार जीते हैं। इन दो सवाल का आप जवाब दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप जीत सकते हैं एक सैमसंग का 4G फोन। अब आते हैं मुद्दे की खबर पे कि किन लोगों को भारत सरकार के द्वारा मिल रहा है पूरे 6,000 रुपए की धनराशि, और आप लोग भी कैसे पा सकते हैं पूरे 6,000 रुपए अपने जनधन खाते में। आप लोगों को बता देना था भाई बहनों, जिन लोगों ने भी अपने जनधन खाता को अपने आधार कार्ड से लिंक करा रखा था, अटैच करा रखा था, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। और दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तब आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, इस योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो गरीब रेखा में आते हैं। जैसे आपको बता दें, भारत सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब इसके अंतर्गत अगर आप लोग जुड़ जाते हैं, आप लोग किसान हैं, खेती करते हैं, तो सालाना आपको 6,000 रुपए भारत सरकार भेजेगी, जिसमें 2,000 रुपए करके तीन बार आपके जनधन खाते में भारत सरकार के द्वारा आप लोगों को रुपए प्राप्त होंगे। तो भाइयों बहनों, अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं किया है, तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि भारत सरकार ने 15 मई के बाद 8वीं किस्त भेज दी थी और जुलाई में वापस से नवी किस्त भेजना चालू कर देगी। तो भाई बहनों, इस तरीके की हर सरकारी योजना के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो आप भी जीत सकते हैं एक सैमसंग का 4G फोन। भारत माता की